हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एंड्रॉयड फ़ोन का एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा ना, जिससे कि मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब आप इस सेटिंग को देखेंगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे अपने फ़ोन में करने से, क्योंकि ये सेटिंग इतना कमाल का, इतना औसम है ना, जो कि आपके फ़ोन को देखने में बेहद ही खूबसूरत बनाता है। ये सेटिंग कब काम करेगा? जैसे कि अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करेगा या फिर फेसबुक पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या फिर अदर एप्लीकेशन किसी पर भी जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके फ़ोन में ये एज लाइटिंग चलेगा जो कि देखने में बेहद ही औसम लगता है। तो चलिए हम जानते हैं कौन सा ये ट्रिक है, कहाँ से इसे सेटिंग करना है, क्या सारा प्रोसेस है, ये सब कुछ मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में घंटे का आइकन आ जाएगा, तो आपको इस घंटे को दबाकर यहां से ऑल पे सेट कर देना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमेंट करना होगा, जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कॉमेंट कर दें, मैं आप सभी का कॉमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हट देता हूँ। ओके दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मैंने इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इस एप्लीकेशन को आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। अब जैसे इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें, आपको ओपन कर लेना है। अब यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन दे देना होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 परमिशन दे कर रखा है और लास्ट परमिशन देना है, जिससे कि हमें यहाँ से अलाउ नाउ पे टैप करना है। फिर उसके बाद यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। अब जैसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपके नीचे यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो सारा कुछ जो है वो सीख लिया है और वो वीडियो छोड़कर जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें आपको एक मेन सेटिंग करना होगा, तभी आप एज लाइटिंग को अपने फ़ोन में यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और बता दूँ मैं आपको कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसी एप्लीकेशन का बहुत ही फाड़ू ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उसे भी आप देख कर जाइएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन सेटिंग है जो कि यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। अब सेटिंग्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको सबसे ऊपर मिलेगा एज लाइटिंग का ऑप्शन, तो आपको एज लाइटिंग ओपन कर लेना है और यहां पर ऑन सेटिंग्स को आपको ऑन कर देना है। अब यहां पर आप अपने मन मुताबिक टाइम सेट कर लें, ओके। फिर उसके बाद यहां पर आप साइज वगैरह बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहां पर कलर कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस कलर को कस्टमाइज ना करें, ये काफी जो पहले से है वो बेटर लगता है, ओके। यहां से सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच फेस का, तो सिंपली आपको इसे ऑन करना है। अब ऑन करने के बाद यहां पर कुछ वॉच फेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि पहले से लॉक रहेंगे, ये देख रहे हैं पहले से लॉक है, और यहां पर काफी बेटर बेटर आपको जो है वो वॉच फेस मिल जाता है, जो कि आप इसमें से जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले यहां पर आपको इसे अनलॉक करना होगा। तो यहां पर चलिए हम इसे अनलॉक करते हैं। तो अनलॉक करना बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और करने के बाद यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऐड का, तो सिंपली आपको व्यू ऐड पे टैप कर एक 10 सेकेंड का ऐड देखना होगा, तो जाकर ये अनलॉक हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर चलिए एक छोटा सा 10 सेकेंड का ऐड देख लेते हैं, कोई बड़ी सी बात नहीं है, यहां पर 10 सेकेंड ही इसमें टाइम देना है। जैसे ही ये ऐड खत्म हो जाएगा आपको यहां से इसे कट कर देना है। अब कट करने के बाद वो जो वॉच फेस है वो अनलॉक हो चुका है, तो उसे हमें यहां से सेट करना है, यहाँ पर हमें इसे सेट कर देना है। अब सेट करने के बाद इसमें सारा काम खत्म हो चुका है, मैं इसे कट कर देता हूँ और अपने फ़ोन को लॉक कर देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपने दूसरे फ़ोन से व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कमाल का ये ऑसम लग रहा है। तो ये आपके फ़ोन का खूबसूरती को भी बढ़ाएगा, जो कि देखने में बेहद ही औसम लगेगा। तो इसी तरह से अगर आपके फ़ोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये एज लाइटिंग जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, जो कि देखने में बेहद ही औसम लगता है। तो
तो चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक बहुत ही फाड़ू ट्रिक बता देता हूँ कि कौन सा वो ट्रिक है। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। अब जैसे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमुलेट जेस्चर का, तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन करना है। अब ऑन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं स्वाइप अप डाउन लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर आपको इसमें सेट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसमें कर लेता हूँ फ्लैश लाइट, ओके हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्वाइप डाउन में मैं कर लेता हूँ स्क्रेच पैड, ओके यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर स्क्रेच पैड हो गया। तो अब यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को लॉक कर देता हूँ और लॉक करने के बाद यहाँ पर जैसे हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन हो गया है। अब जैसे यहाँ पर फिर से हम स्वाइप अप करते हैं, ओके यहाँ पर स्वाइप अप करते हैं फिर से तो बंद हो जा रहा है, स्वाइप अप करते हैं ऑन हो जा रहा है, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो है वो स्क्रेच पैड आ गया, जो कि यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइक लिखा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पर लाइक क्यों लिखा है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ऐसे ऐप के लिए, तो आप लाइक कर दीजिए और इस एप्लीकेशन को लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इन्जॉय करिए इस एप्लीकेशन को।